गुड इवनिंग मध्य प्रदेश, मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है झाबुआ से, जहां पर नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत आयोजित मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत जिले के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुक्रवार को पेट्रोल के शासकीय विद्यालय में छात्रों को मद्यपान के दोषों से अवगत कराते हुए नशे की लत से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अगली बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां पर नगर पालिका अनूपपुर के सफाई कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश श्रमजीवी सफाई कर्मचारी संघ संबंध भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अनूपपुर नगर पालिका के समस्त कर्मचारी शुक्रवार से 8 सूत्रीय मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अगली बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां पर अभिमन्यु अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल्यकाल से ही पुरुषों में लैंगिक समानता एवं एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है। जिस प्रकार अभिमन्यु ने गर्भावस्था में ही माता पिता से ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक उसी प्रकार अभिभावकों को भी अपने बालकों को बाल्यकाल से ही कानूनी ज्ञान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार देर शाम सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि पूजा स्थलों एवं गर्भ स्थलों के आसपास 2 पहिया वाहनों से महिला पुलिस बल निरंतर पेट्रोलिंग करेगी तथा बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, साथ ही महिला बल के सहयोग के लिए अन्य पुलिस बल भी तैनात रहेगा। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर देश में खाद्य तेल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता सरकार समाप्त करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन बनाया है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सहित देश के 21 राज्यों में तिलहन बीज उत्पादक 347 जिलों में उत्पन्न बीज दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रधानमंत्री जनमन योजना में कंपनी कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की बहुलता वाले 9 जिलों में अब तक 3876 घरों को रोशन कर चुकी है। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 39 क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोपद नदी पुल के शुभारम्भ से आवागमन सुगम होगा, समय की बचत होगी तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर वन विहार स्थित विहार बीथिका में शुक्रवार को वन्य जीव गलियारे वन्य जीव मानव द्वंद को कम करने एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने में प्रभावी है। इस विषय पर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता WWF के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शुक्रवार को सिंगरौली में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल सिंगरौली का कार्य मेडिकल कॉलेज के पास प्रारंभ किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि यह 600 बेड का अस्पताल होगा। दोस्तों, यह थी आज के अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को सुनाई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है, वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के नए अपडेट के साथ।